मुल्क भर का अहम खबर शामिल करें। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अफजल का छुट्टी मुकम्मल होने के बावजूद काम से इनकार। कामरान अली अफजल ने मजीद 7 रोज़ की छुट्टी की दरख्वास्त दी है। वज़ीर आला पंजाब ने कामरान अली अफजल की मजीद 7 रोज़ की छुट्टी मंजूर कर ली। अब्दुल्ला सुमल को कायम मकाम चीफ सेक्रेटरी के तौर पर काम जारी रखने का हुक्म दिया गया है। पंजाब में रबर स्टैम्प बनकर काम नहीं कर सकता, कामरान अली अफजल की जानिब से यह कहा गया है। हसन रजा हमारे साथ मौजूद है। हसन, एक जानिब कहा गया है कि रबर स्टैम्प बनकर काम नहीं जारी रख सकते और साथ ही साथ छुट्टी की दरख्वास्त भी की गई जिसे मंजूर भी कर लिया गया, चल क्या रहा है पंजाब में? देखिए, तकरीबन 2 माह से जारी ब्यूरोक्रेसी और सियासी इख्तलाफात की वजह से पंजाब में चीफ सेक्रेटरी पंजाब की तैनाती का मामला हल न हो सका। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने 6 अगस्त को वफाक को खत लिखा था कि वो पंजाब में काम जारी नहीं रखना चाहते क्योंकि यहाँ पर जो है वो गलत इकदाम नहीं होंगे और मेरिट के बरस इकदाम नहीं करना चाहता। उन्होंने ये वाजह किया था कि पंजाब में रबर स्टैम्प बनकर मजीद काम नहीं कर सकता। जब वफाक ने कोई जो है पेशरफ ना की, पंजाब हुकूमत ने भी 3 अफसरान का पैनल वफाक को भिजवाया, तो चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने 14 रोज की छुट्टी अप्लाई की, वजीर आला ने मंजूरी दी और अब्दुल्ला सुमर को इजाफी चार्ज दे दिया। छुट्टी खत्म हुई तो मजीद कामरान अली अफजल ने 7 रोज की छुट्टी अप्लाई कर दी जिसकी मंजूरी हो चुकी है। अब मजीद 7 रोज तक अब्दुल्ला सुमर कायम मुकाम चीफ सेक्रेटरी पंजाब के तौर पर जिम्मेदारियां निभाएंगे। इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इस सारे अमल से ब्यूरोक्रेसी में जहाँ परेशानी है वहाँ पंजाब के महकमों का शदीद हर्जोता दिखाई दे रहा है। और ठीक है, आपने हमें अपडेट किया हसन, आपका बहुत शुक्रिया।